तीन साल से लगातार 2022 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया, 2023 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया और अब 2024 की झांकी के लिए भी दिल्ली सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट की गई है झांकी पंजाब की, जिसको भगवंत मान जी कल बढ़ चढ़ के आग बना देने की कोशिश कर रहे थे, वो इनकी तस्वीरों की वजह से की गई है। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी पर राजपथ सुरक्षा बलों की शानदार परेड और राज्यों की सुंदर झांकियों का गवाह बनता है। इस बार भी गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस बीच एक नया विवाद पैदा हो गया है। दरअसल गणतंत्र दिवस पर इस साल पंजाब की झांकी को परमिशन नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि पंजाब और दिल्ली को जानबूझकर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों से दूर रखा गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि तीन साल से लगातार दिल्ली की झांकियों को रिजेक्ट किया जा रहा है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसी वजह से उनकी झांकियों को शामिल नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों की झांकियों को पूरा मौका दिया जा रहा है। 2022, 23 और 24 में दिल्ली सरकार की झांकियों को रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि झांकियों के विषय को केंद्र सरकार ही तय करती है। सौरभ भारद्वाज आगे बोले कि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि झांकियों पर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की फोटो लगे होने के चलते रिजेक्ट किया गया। तीन साल से लगातार 2022 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया, 2023 में दिल्ली की झांकी को रिजेक्ट किया गया और अब 2024 की झांकी के लिए भी दिल्ली सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों से कौन से प्रपोजल हमारी तरफ से जा रहे हैं। 2022 में रिजॉल्व 75 करके टॉपिक था, उसके ऊपर हमारा डिजाइन दूसरे राउंड की मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया गया। 2023 में नारी शक्ति विषय था, उसमें भी हमारा डिजाइन रिजेक्ट कर दिया गया और 2024 में विकसित भारत क्राइटेरिया था, उस पर भी दिल्ली सरकार के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। वही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के आरोपों को गलत बताया है। भगवंत मान का दावा है कि अगर सुनील जाखड़ अपने आरोपों को सच साबित कर देंगे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जाखड़ साहब ये दस दिन मैंने सबूत दे दें जाखड़ साहब के अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान की झाकी च फोटो असी सानू पागल समझ रखे असल च ना जाखड़ साहब नवे नवे बीजेपी च गए हजे उन्होंने प्रॉपर झूठ बोलना नहीं आता। कल जो बोल रहे ना बुल कम रहे मैं कोई नहीं सीख जाओगे हौली हौली उत्थे स्क्रिप्ट दी जाती है आ बोल दो जाके। सो मैं जाखड़ साहब नाल मेरी हमदर्दी है जाखड़ साहब यहाँ जहाँ काम असं कर सकते हैं कि असी 15 अगस्त 26 जनवरी झाकी च भगवंत मान भगत सिंह के बराबर फोटो ला ले, मेरी औकात है इन्नी, तू साबित कर दो राजनीति छोड़ दूंगा। गणतंत्र दिवस पर झांकियों का चयन रक्षा मंत्रालय करता है, इसके लिए चयन की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो जाती है। एक्सपर्ट कमेटी सभी झांकियों की अलग अलग मानकों पर जांच करती है, इसके आधार पर अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सौंप देती है। जो झांकियां मानकों पर खरी उतरती हैं, उनको 26 जनवरी की परेड में शामिल किया जाता है।